श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य पर अर्धकुंवारी परिसर में श्रद्धालुओं के लिए लंगर की सुविधा शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी बोर्ड प्रशासन द्वारा भवन के ताराकोट मार्ग और सांझी छत मार्ग पर लंगर की सुविधा श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई थी। वहीं इन नवरात्रों के दौरान अर्धकुंवारी में भी ये सुविधा शुरू की गई है। ये लंगर सुविधा श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी और ये सुविधा निःशुल्क भी रहेगी। के लिए जो है लंगर सेवा उनके सेक्टर्स में जो है निशुल्क उपलब्ध है और अर्धकुंवारी सेक्टर में जो काम करने वाले हमारे ग्रुप सी इम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी ये सेवा जो है निशुल्क आज से उपलब्ध है। देखिए ऐसा है कि बोर्ड की तरफ से पिछले 4-5 साल से लंगर सेवाओं पर काफ़ी जो है फोकस किया जा रहा है और अब तक अगर हम बात करें तो 3 जगहों पर जो है लंगर सेवा चल रही है, जिसमें सबसे पहले ताराकोट सांझी छत और उसके बाद पिछले साल नवरात्रि के ही शुभ अवसर पर भैरव जी में लंगर सेवा शुरू की गई है और आज के समय में तकरीबन 10 से 12 हज़ार यात्री जो है प्रतिदिन जो है लंगर सेवा का लाभ ले रहे हैं और इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए माननीय उपराज्यपाल जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उनकी तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि अर्धकुंवारी जो हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है यहाँ पर भी एक लंगर सेवा शुरू की जाए और आज प्रथम नवरात्रि के मौके पर इस लंगर सेवा को शुरू किया गया है और कुल मिलाकर के जो 4 लंगर सेवाएं आज से जो है यात्रियों के लिए ऑपरेशनल रहेंगी। और अर्धकुंवारी के लंगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है दाल चावल की खिचड़ी या चने चावल की जो खिचड़ी है उससे हम शुरुआत कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक जो है ये लंगर सेवा ऑपरेशनल रहेगी और तकरीबन एक समय पर 200 से 250 लोग इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। और हमारी अर्धकुंवारी की जो टीम है वो पूरी का पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से इस प्रयास में लगी हुई थी और आगे आने वाले समय में भी यात्रियों के फीडबैक पर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि एम्प्लॉई वेलफेयर मेजर्स में भी बड़े सारे कदम जो है बोर्ड की तरफ से लिए जाते हैं समय समय पर और उसके अंदर एक महत्वपूर्ण निर्णय पिछले साल ये लिया गया था कि जो हमारे ग्रुप सी कर्मचारी हैं जो जिसको हम लोएस्ट विंग या जो हमारी बैकबोन है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हमारे सेवादार को कैसे सरल और सुगम बनाया जा सके, उसी दिशा में आगे बढ़ाते हुए इस साल रेलवे स्टेशन पर एक नए काउंटर को ऑपरेट किया गया है और 8 काउंटर्स की संख्या में इजाफा किया गया है, जिससे किसी भी व्यक्ति को RFID कार्ड हासिल करने में 15 मिनट से ज़्यादा का समय ना लगे और कटरा में जो कतारों का सिलसिला पहले लगता था उससे लोगों को निजात मिले। और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी उसमें राहत यात्री महसूस कर रहे हैं और रेल से आने वाले यात्री विशेष करके इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। उसके अलावा यात्रा मार्ग पर जो सुविधाएं रहती हैं उसके अंदर भी हमने वृद्धि करने की कोशिश की है, चाहे वो सफाई की बात हो, फेस लिफ्टिंग की बात हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, सफाई अभियान हो या फिर जो साज सजावट का कार्यक्रम पूरे ट्रैक पर रहता है उसको भी एक नया रूप एक नया जोश के साथ हमारी टीम काम कर रही है। और जितने भी श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आएँ उनकी यात्रा यादगार रहे उसके लिए हमारी टीम निरंतर प्रयास। देखिए ऐसा है कि लंगर सेवा जो बाकी लंगर सेवा है वहाँ पर उपवास का भोजन भी उपलब्ध है। अर्धकुंवारी क्योंकि एक नई सेवा है अभी के लिए यहाँ पर जो है रूटीन जो जैसे मैंने कहा दाल चावल की खिचड़ी उपलब्ध है, लेकिन हमारे जितने भी भोजनालयों हैं वहाँ उन सभी भोजनालयों पर जो व्रत संबंधी और उपवास संबंधी खाना और व्यंजन सभी उपलब्ध है। शारदीय नवरात्रों की बात करें तो माँ वैष्णो देवी दास शिविर पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक और सुविधा शुरू कर दी गई है। जिस तरह से माँ वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 लंगर की सेवाएं जो है उपलब्ध थी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से, एक और लंगर की सेवा जो है वो अब अर्धकुंवारी पर भी जो है शुरू कर दी गई है और आज उसका जो है इनॉग्रेशन करने के लिए CEO श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग वहां पर पहुंचे। उसके बाद अपने वहां पर आके कन्या पूजन की और उसके बाद अपने हाथों से लंगर की जो है वहां पर सेवा देते हुए आप सभी को बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड CEO ने साफ तौर से बताया कि जितने भी श्रद्धालु यहां पर आने वाले हैं उन सभी के लिए जो है यहां पर अब लंगर सेवा भी शुरू कर दी गई और बाकी जितने भी लंगर पॉइंट्स हैं वहां पर जो है फास्ट के रिलेटेड जो है व्रत के जो है वहां पर वितरित किया जाएगा, लेकिन यहां पर जो है अभी व्रत का सामान अभी वितरित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बिना व्रत के जो श्रद्धालु यहां पर आएंगे उनके लिए जो है अब यहां अर्धकुंवारी पर लंगर सेवा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से 4th लंगर जो है फ्री सेवा जो है वो शुरू कर दी गई।
साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट, तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बुहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191-255-4360-255-4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।